मम्मी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? पिटारा खोल रखा। काय का? जितने भी मेरे कपड़े हैं पिछले साल तक के गर्मी के सब का ढेर लगा रखा, जो धुले हुए बिना प्रेस के। आज बस सुबह सुबह भूत सवार हो गया मेरे सिर पे कि आज तो मैं निकाल के रहूंगी। हाय एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और अंश पूछ रहा है, मम्मी ये सुबह सुबह आपने क्या फैला दिया? ये बेड मेरा 2-3 दिन से भरा हुआ है। जैसे कि आपको पता है एक रूम में हम रहते हैं पूरा दिन, तो ये बेड पूरा भरा हुआ है। इसमें जो कपड़े धुलते हैं वो उतार के फेंक दिए जाते हैं जब टाइम नहीं मिलता। और जब से इनकी छुट्टियां चल रही हैं घर पे हैं तो काम बिल्कुल भी नहीं होता, बस खाना बनाना होता है और फिर सोना होता है या फिर बैठ के बातें करनी होती हैं। तो उस वजह से मेरा ये बेड पूरा भर चुका था। प्रेस का कोई कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, तो एक तो मैं सुबह सुबह बैठ गई कि चलिए प्रेस के अलग निकाल देती हूँ, और फिर जो मेरे पुराने मतलब पिछली गर्मियों के कपड़े हैं वो भी मैंने सारे निकाल लिए। और जैसे कि ये बैग पड़ा हुआ है तो जो मुझे लग रहा है कि ये मेरे यूज में आएंगे तो वो तो मैं अपने अलग निकाल ली हूँ, प्रेस करूंगी। और जो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आएंगी नहीं क्योंकि शरीर बढ़ चुका है, फैट चर्बी काफी चढ़ चुकी है, तो वो नहीं आ रहे हैं, तो वो मैंने अलग, जैसे कि एक बैग तो ये भर के रख दिया है और अभी मैं निकाल ही रही हूँ। या कुछ ऐसे भी हैं जो नए सूट है और मुझे टाइट हो रखे हैं, इनका आ गया है फोन, तो बस वही सब मैं यहाँ पे कर रही हूँ। फोन आ गया था, बीच में रुक गई थी, तो इनका चलता ही रहता है घर पे क्योंकि टाइम हो चुका है 9:15 से भी ऊपर ही हो रहे हैं। ये घड़ी हमारी थोड़ी सी आगे है तो ये 9:30 से भी ज्यादा दिखा रही है, लेकिन 9:30 बजने वाले हैं, तो इतना टाइम हो चुका है। और इनका कॉल आ गया था, ये कॉल पे लग गए थे, तो बस वही कर रही हूँ मैं। जो कपड़े मुझे हटाने हैं वो मैं हटा रही हूँ। और जैसे कि ये मेरा नया ही सूट है, अभी तक मैंने 2-3 बार ही पहना है, तो ये मुझे हल्का सा टाइट हो रहा है। और ये है रियॉन फैब्रिक का, तो रियॉन फैब्रिक का कपड़ा हल्का सा हमें लूज बनवाना चाहिए, लेकिन मैंने ये बिल्कुल फिटिंग में ही बनवाया था तो ये मुझे टाइट आ रहा है, तो इसको मुझे खुलवाना है जबकि ये बिल्कुल नया है। और इसको पहनना मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब मेरे ऊपर खिलता भी बहुत ही ज्यादा है, तो इसको मैं टेलर के देने की सोच रही हूँ कि इसको लूज करवा लूँ। तो इस तरह का आज मैं ये सारा काम लेके यहाँ पे बैठी हूँ। और ब्रेकफास्ट हमारा नहीं बना, दिन है संडे का, अभी तक ब्रेकफास्ट में ये नहीं पता कि क्या बनने वाला है क्या नहीं। चाय हमने ली थी और अब देखिए इनको, इनको भी मैंने एक काम पे लगाया हुआ है आज। पापा जी, आप क्या कर रहे हैं? बेटा बहुत सारी दवाइयां रखी थी, उन्हें देख रहा हूँ कौन सी एक्सपायर होगी, कौन सी किस काम की है, वो इन सारी। तो मेरी दवाई है या फिर इनकी है या फिर श्रेय की एक आध एलर्जी वगैरह की है, बाकी इनकी दवाइयां इतनी ज्यादा रहती है, दवाई थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं तो दवाई ला के डाल देते हैं और फिर करते हैं 1-2 खुराक, तो वो इतना स्टॉक दवाइयों का है, मैंने इनको फेंक दो। जो भी बच रही है, ओवर डेट हो रखी है या फिर जो दवाई जैसे एक्सपायर हो गई है या फिर किसी मरज की है और हमें पता नहीं है कि किस चीज की दवाई है, तो इनको लगाया है इस छानबीन पे। कल मैंने ड्रेसिंग वगैरह में दवाई थी, बेड के ड्रॉर में दवाई थी, तो वो सब मैंने निकाल ली थी कल, तो बस यही 2 दिन से चल रहा है पूरा। तो कल तो इनको टाइम नहीं मिला ये सब करने का, अब मैंने सुबह सुबह इनको इस काम पे लगा दिया और मैंने चले दोनों का काम हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम देखेंगे नाश्ता, और श्रेय गया है वो ले रहा है अपना दूध क्योंकि दोनों बच्चों ने भी दूध वगैरह नहीं लिया है सुबह का, तो ये दोनों भाइयों के लिए लेके आ गया है दूध अपना। हमारी चाय हो चुकी, चलिए तो बच्चे दूध पियेंगे और फिर मिलते हैं आपसे। नाश्ते में क्या होता है क्या बनता है कुछ भी डिसाइड नहीं। और अब देखिए दूध के गिलास आपको नजर आएंगे, तो दूध पी लिया, ये देखो, ये देखो दूध पिया है सुबह सुबह आज, गुड़ से फिक्का। और यहाँ देखो इधर हाल तो दिख ही गए, शीशे में दिख गए, ये देखो छोटे बच्चे को देख लो, कति संड रह रहे सच में। ये देखो ये चलता है हमारे घर में पूरा दिन, तो काम कहाँ से हो जा। अंश अब थप्पड़ लगने वाला बेटा, खड़ा हो ले, मैं मारूंगी क्योंकि मुझे काम है, खड़ा हो ले बस। ये मिक्सर मेरा है इडली का,
इडली का जो मसाला इडली आती है ना, तो उसका मिक्सचर था इसमें, मोटा मोटा था, थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं, मसाला होता है, तो उसको मैंने मिक्सी में चला लिया है, इसमें मिक्सी के जार में चला के और फिर मैंने इसमें डाल दिया। तो ये हमारा बारीक हो चुका है और ये मेरा एक्सपेरिमेंट समझिए आप, ऐसा कोई जो है मुझे नहीं पता ये कोई डिश है नहीं है, लेकिन मैं इसको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इडली बच्चे खा नहीं रहे थे, मसाला इडली इन्हें पसंद नहीं है, वो मैं लेके आ गई थी और फिर मैंने इसको पीस लिया, तो अब इनको दिखाई नहीं देगा, मतलब इसमें जो पीस वीस होते हैं ना। और अब मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा गेहूं का आटा बाइंडिंग के लिए, आधा कप मैंने इसमें मिला लिया है गेहूं का आटा, और मुझे ये भी नहीं पता अभी कि ये बनेगा भी नहीं जो मैं सोच रही हूँ, तो मैं इसका बस चीला टाइप बनाऊंगी। इडली है, मसाले इसके अंदर करी पत्ता का फ्लेवर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैं इसमें हल्का सा नमक डालूंगी और ज़्यादा मसाले मैं इसमें कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ, तो इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक। और बच्चे भी पूछ रहे हैं, ये भी पूछ रहे हैं कि क्या बनेगा क्या बनेगा, मैंने मुझे ही नहीं पता क्या बनेगा, तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कुछ बनेगा भी या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बनेगा तभी मैं आपको दिखाऊंगी, तो हम इसको ये देखेंगे कि ये हमारा जो है कोशिश या दिमाग जो भी हम लगा रहे हैं वो कुछ काम भी करेगा या नहीं। अगर काम ना करा तो हम बिल्कुल बेकार है, तो फिर तो आपका भूखा मारने का प्लान है 50%। हाँ तो फिर हम भूखा मरेंगे आज, कुछ तो बना लेंगे हम, दही ले आऊँ मैं थोड़ी सी, रुक जाए मैं तो सैनिक से चीजी ले आऊँगा। और इनके बनने वाले थे बर्गर, लेकिन मैं बर्गर अभी बना नहीं रही हूँ, इनको बर्गर खाने थे बिल्कुल सिंपल वाले, या बोल रहे हैं कि पिज्जा बनाओ, मतलब पता नहीं क्या क्या इनके चटोरकों ने। तो देखो ये हमने इसमें डाल ली दही और अब इसमें डालेंगे हम पानी, तो इसका हम बैटर तैयार करेंगे, और दही भी मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, तो इस तरह से मैंने इसमें दही डाल लिया। अब लेते हैं पानी, तो अब मैंने इसमें पानी डाल लिया है, इसका हम घोल तैयार करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ दूंगी, जिससे कि ये बैटर थोड़ा सा फूल जाए और चीला बनाने के लिए ये तैयार हो जाए। और ये चीला सिंपल नहीं, मतलब डोसा टाइप चीला मैं इसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसको छोड़ दूंगी 10-15 मिनट के लिए, जिससे कि थोड़ा सा फूल जाएगा, सॉफ्ट बन जाएगा। बैटर तैयार करके रख दिया है और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ हरी चटनी बनाने की, जो हरे धनिया पुदीने की चटनी होती है, तो जो मैंने अभी आपको दिखाया है ये थोड़ा सा पुदीना है जो मैं बाहर से अभी गार्डन से तोड़ के लेके आई हूँ, और धनिया रखा हुआ है, तो धनिया थोड़ा सा ज़्यादा है और पुदीना कम है। हरी मिर्च डाल ली है और 2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ दही, नमक और थोड़ा सा जीरा, तो ये सब इस चटनी में मैं डालती हूँ, बहुत ज़्यादा मसाले इस चटनी में नहीं डाले जाते। और टाइम काफ़ी हो चुका है, 10:15 का टाइम हो रहा है जब मैं ये ब्रेकफास्ट बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं काम में लगी हुई थी जिसमें, तो वो काम थोड़ा सा निपटा के ही उठी हूँ और फिर जाके ये मैंने तैयारी की है, तो यहाँ पे मेरी चटनी भी तैयार हो गई है। तवा रख लिया है और तवा जैसे ही मेरा गर्म हुआ है फिर मैंने उस पर डाल दिया है 1 चमचा भर के ये बैटर, और बहुत ही हल्के हाथ से मैं इसको फैला रही हूँ, क्योंकि ये इडली का बैटर है तो ये बहुत ही जल्दी जो है तवे पे से मतलब उठने लगेगा, तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जैसे हम डोसा बनाते हैं सेम उसी तरह से, तवा ज़्यादा गर्म होगा तो ये तवे के ऊपर से मतलब चिपकेगा नहीं, जैसे हम फैलाएंगे साथ साथ उठ जाएगा। तो देखिए दोनों साइड से मैं इनको सेकने वाली हूँ, और ज़्यादा क्रिस्पी ये नहीं बनेंगे क्योंकि ये इडली का बैटर है और मैंने इसको चीले का रूप दे दिया, क्योंकि इडली श्रेय को पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और इसको मैं यहाँ पे ठंडा कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो ये तवा ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, और ठंडा करके फिर साफ कॉटन के कपड़े से मैंने इसको साफ़ कर लिया है और फिर ऐसे ही हल्के हाथ से जो है इसको फैला दिया है। तो ऐसे मैं और हल्का हल्का मैं इसके ऊपर ऑयल भी डाल रही हूँ ब्रश से, पहले मैंने चम्मच से डाल के देखा था लेकिन फिर मैंने इसके ऊपर ब्रश से करना शुरू कर दिया है, हल्का सा ब्रश लगा रही हूँ। वैसे अगर आप बिना ऑयल के बनाना चाहें तो बहुत ईजिली बन रहे हैं जैसे डोसे बनते हैं बिल्कुल, लेकिन हल्का सा मैं ऑयल लगा रही हूँ। तो देखिए कितने अच्छे हमारे चीले बने हैं,
और इनमें फ्लेवर कुछ डोसे का, कुछ चीले का और कुछ इडली का, तो मिक्सअप फ्लेवर आ रहा है। टेस्ट बहुत अच्छा था, तो बिना कुछ किसी तैयारी के हमारा बहुत ही अच्छा सा ये ब्रेकफास्ट बन गया है आज। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा ये इडली का मिक्सचर रखा हुआ था ये मेरा ख़त्म हो गया है। मसाला इडली बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो हरी चटनी मैंने बना ली है और केचप लिया है। तो आइए आप लोग भी ब्रेकफास्ट कीजिए, बिल्कुल किसी भी बिना तैयारी के बहुत ही अच्छा हमारा ब्रेकफास्ट बना है। तो उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका था और थोड़ी देर फिर रेस्ट किया, मतलब खाने के बाद आराम किया। उसके बाद सब लग गए हैं अपने अपने काम पे, मैं अपने किचन में लग गई हूँ साफ़ सफाई के लिए, और इन्होंने भी आज एक काम शुरू कर दिया है फिर से। आज ये भी बहुत ज़्यादा काम में लगे हुए हैं। हमने ये वाईफाई लगवाया था काफ़ी टाइम पहले, और वो जो भैया आए थे तो बोल के गए थे कि हम इसको आएंगे और फिर से जो है जो ये केबल है इसको अच्छे से सेट करके जाएंगे, लेकिन इतने टाइम हो गया अभी तक वो नहीं आए। और अब तो उम्मीद भी नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो बस इसी को ये अपने आप सेट कर रहे हैं। उन्होंने फ्रिज के ऊपर रख दिया था उसको ऐसे ही, तो मुझे लग रहा था कि फ्रिज के ऊपर ये ठीक नहीं है, और बहुत ज़्यादा बड़ा ये केबल जा रहा था फ्रिज के ऊपर तक, मतलब दीवार के ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस इन्होंने कुछ सेटिंग की, मैंने बोला कि ऐसे इसको कर दो कि हम इसके ऊपर इसको रख दें। तो ये मेरा जो क्रॉकरी का कबर्ड है इसके ऊपर इन्होंने इसको रख दिया है, और ये देखिए कितना ज़्यादा तार है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसको इन्होंने यहीं पे सेट किया है और इसका कनेक्शन वगैरह सब यहीं पे कर दिया है। तो देखिए कितना अच्छा हो गया है, यहाँ पे इन्होंने कर दिया है एक साइड ही इसका, और तार वगैरह कुछ भी अब नहीं दिख रहा है। और कनेक्शन इन्होंने जो इसको दिया है ये यहाँ से दिया है मंदिर से, इसके बल्ब से। तो ये ऐसे काम बहुत ईजी कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं अपने आप, बस ये है कि लगना चाहिए, लगने में बहुत आलस करते हैं। बहुत दिन का ये काम पड़ा हुआ था, तो वो बल्ब भी हमारा परमानेंट जलता है और ये भी जो है परमानेंट, इसको बिजली चाहिए, ऑन चाहिए, तो ये हमारा काम हो गया है कंप्लीट। और अब यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उसकी एक क्लिप मिस हो गई है, और उसकी मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई थी अलग से, जो मैंने बताया था कि मैं क्या आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, लेकिन उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तो यहाँ पे मैंने एक फेशियल करना है, दही वाला फेशियल, जो कर्ड फेशियल होता है, तो वो मैं कर रही हूँ यहाँ पे, और उसको मैं तीन स्टेप में करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये यहाँ पे आधा चम्मच दही ली है और उसमें आधा चम्मच ही मैंने सूजी डाली है। तो ये हमारा तैयार हो गया है स्क्रब, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है, इसमें मैंने एक चम्मच दही ली है और ये विटामिन ई का कैप्सूल है, तो जिसको मैं कट करके इसमें पूरा डाल लूँगी, जितना भी इसका ऑयल है वो सारा इसके अंदर मैं डाल लूँगी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा। तो ये हमारी बन गई है मसाजर क्रीम, इससे हम मसाज करेंगे। तो दो स्टेप हो गए हैं, अब आता है तीसरा नंबर, जो हम पैक बनाएंगे। तो ये मैं पूरी तैयारी पहले से करके रख लूँगी। एक चम्मच फिर से मैंने दही ली है, ये सारा कुछ हम दही से ही करने वाले हैं और कुछ भी नहीं। और बहुत ही अच्छा ये फेशियल होता है, बहुत ही अच्छा ग्लो होता है, शाइन आते हैं चेहरे पे। तो उसमें मैंने आधा चम्मच डाला है बेसन। बेसन की जगह आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बेसन डाला है। और ये है गुलाब की सूखी पत्तियों का पाउडर, जो कि मेरे घर में बहुत सारे गुलाब आए थे, तो उनको मैंने सुखा लिया था और उसका ये पाउडर बना लिया था। इसको मैंने बहुत बार यूज़ कर लिया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच हनी, और आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नींबू का रस नहीं डाला है क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है, तो इसलिए मैं पैक में नींबू का रस नहीं डालूंगी। तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो ये हमारी तीनों चीज़ अच्छे से हो गई है मिक्स। यहाँ पे भी मैंने बोला था साथ साथ, लेकिन मेरी जो आज क्लिप बनाई थी एक तो मिस ही हो गई है, पता नहीं क्या हुआ उसमें, आवाज़ बिल्कुल नहीं आई, वो आई नहीं है, तो वो मैंने फिर हटा दी, लगाई नहीं है। और ऐसे ही इसमें हुआ, इसमें भी मैंने बोला था तो आवाज़ नहीं आई, लेकिन चलिए इसको तो नहीं हटा सकती। तो यहाँ पे मैंने लिया है गुलाब जल चेहरे को क्लीन करने के लिए, क्लिनज़र के रूप में, आप चाहें कच्चा दूध ले सकते हैं। तो मैंने गुलाब जल से अपना चेहरा अच्छे से क्लीन कर लिया है, चाहे तो आप फेस वॉश कर सकते हैं। तो कॉटन से मैंने गुलाब जल से अच्छे से अपना चेहरा क्लीन कर लिया है, क्योंकि फेस वॉश वगैरह मैंने सुबह किया था, मैं नहा लेती हूँ सुबह, तो इसलिए। तो देखिए बहुत ही अच्छा सा चेहरा हमारा क्लीन हो गया है। अब आता है स्क्रब का नंबर। तो स्क्रब में सिर्प जो है हमने बना के रखा हुआ है, मसाज करनी है अच्छे से, हल्के हाथों से राउंड राउंड
शेप में हमको चेहरे पे मसाज करनी है, और हार्ड बिल्कुल भी ना करें। सूजी है, हालांकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ी सी दरदरी है, तो बहुत ही अच्छा सा ये स्क्रब बना है हमारा। आप चाहे चावल का आटे का भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा होता है। तो हल्के हाथ से मैं स्क्रब कर लूँगी, और ये मसाज हमें 2 से 3 मिनट करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी, तो अच्छे से मसाज हमारी मतलब स्क्रब हमारा हो जाएगा। तो अब मैंने अपना चेहरा अच्छे से धो लिया है ठंडे पानी से, और अब आती है बारी मसाज की, दूसरे स्टेप की। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये दही ली है जिसमें कि विटामिन ई का कैप्सूल मिलाया था, बस और कुछ भी नहीं है। तो इसकी मसाज करनी है अब चेहरे पे, राउंड सर्कल में ही इसको जो है करना है, हल्के हाथ से मसाज करनी है, और हो सके तो नीचे से ऊपर चेहरे को मसाज करें। तो नाक के आसपास जो हमारा नाक के आसपास का एरिया होता है, और ये है यहाँ पे आँखों के आसपास, बहुत ही हल्के हाथ से करें, धीरे से करें, कहीं आँखों में ना चला जाए, क्योंकि इसमें ऑयल भी है विटामिन ई का, तो ध्यान से करें। तो इस तरह से अपने चेहरे को मसाज करें कम से कम 5 मिनट। तो 5 मिनट ये मसाज करनी है, और फिर चेहरे को अच्छे से क्लीन कर ले। तो यहाँ पे मैंने चेहरा अच्छे से गीले टॉवल से साफ़ कर लिया है, और देखिए चमक देखिए अभी से ही, तो मुझे आजकल बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरह से मैं मसाज करती रहती हूँ, और ये जो फेशियल है ये तो आप हफ्ते में एक बार भी कर लें तो काफ़ी है। हाँ, स्क्रब वगैरह आप 2 बार कर सकते हैं, और पैक एक दिन छोड़ के एक दिन भी अगर हम होममेड लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें नुकसान करे। फेस पैक तो होममेड है, तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन लगा लें, या फिर 3 दिन बाद लगा लें, हफ्ते में 2 बार लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा आपको फील होगा और फ़र्क नज़र आएगा। तो देखिए, हाथ से ही मैं ये पैक लगा रही हूँ, बहुत ही आराम से पैक लग जाता है। ब्रश वगैरह से मैं नहीं लगाती हूँ, हाथ से ही लगा लेती हूँ, और इस पैक को लगाने के बाद सूखने तक छोड़ देना है, या फिर 15 मिनट के लिए। तो पैक हमारा लग के हो गया है रेडी। तो नाना धोना मेरा हो गया है, सर भी धो लिया, और अभी मैंने चेहरे के ऊपर कुछ भी मेकअप वगैरह नहीं किया है, जैसा है तो आपके सामने है। तो बताइएगा मुझे कि कैसा लगा आपको, कुछ फ़र्क नज़र आया या नहीं आया, मुझे तो काफ़ी आया है। और ग्लो की बात करूं तो ग्लो तो काफ़ी आया है, लेकिन अगर सॉफ्टनेस की बात करूं तो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा मेरा चेहरा मुझे लग रहा है, फील हो रहा है, जैसे मैं मतलब ऐसे छू के देख रही हूं। तो फ़र्क तो देखिए होता है, लेकिन यही है कि हम अपने लिए ना टाइम नहीं निकाल पाते, टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, अब मैं कुछ दोपहर के लिए खाने दाने की बनाती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे। खाना दाना कुछ जो है स्पेशल नहीं बन रहा है, रिकॉर्ड नहीं करूँगी कुछ भी, तो बस अब मैं पहले बना लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। प्यास लग रही है पहले तो मुझे, अभी ना के आई हूँ, तो पहले मैं पानी पी लेती हूँ, तो उसके बाद फिर मिलूँगी। तो देखिए, दोपहर के खाने में बच रहे हैं 2:30 का टाइम है, और मैंने बनाए हैं ये जवे, नमकीन जवे बनाए हैं, जो कि मैंने घर पर बनाए हैं, होममेड जवे हैं ये, जो मैं तोड़ती हूँ और सिंपल तरीके से बनाए हैं। कोई इसमें सब्जी वगैरह मैंने नहीं डाली, बच्चे नहीं खाते हैं, श्रेय बिल्कुल पसंद नहीं करता। सिंपल प्याज टमाटर के साथ बनाए हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। और एडिट करते टाइम देखा कि इस वीडियो का एंड नहीं हुआ था, दिमाग से ही निकल गया फिर एंड करना, तो यहीं पे इसका एंड कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, या फिर मेरा फेशियल अच्छा लगा हो, तो लाइक करिएगा वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको मेरा फेशियल, एक बार ट्राई करके देखिएगा, और फिर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि हाँ अच्छा था, ग्लो आया कि नहीं आया, या फिर आपको कोई फ़ायदा नज़र आया। तो चलिए, मिलूंगी कल आपको एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।